हेलो एवरीवन, हम सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप पर आजकल बैंकिंग सर्विसेज भी अवेलेबल हैं? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट व्हाट्सएप बैंकिंग। तो व्हाट्सएप बैंकिंग आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक के अकाउंट में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। आप उसी नंबर से व्हाट्सएप बैंकिंग की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए आजकल सभी बैंक्स ने एक अलग नंबर दे रखा है। आप अपने बैंक का व्हाट्सएप मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर उनकी साइट से देख सकते हैं। आपको वो नंबर अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स में सेव करना होगा। फिर आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और उस सेव्ड नंबर पर एक हाय का मैसेज सेंड करेंगे। जैसे ही आपके रजिस्टर्ड नंबर से बैंक के व्हाट्सएप बैंकिंग नंबर पर हाय का मैसेज रिसीव होगा, बैंक की तरफ से आपको एक वेलकम मैसेज आएगा। साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे, जैसे कि अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, एफडी रिलेटेड क्वेरी। आप अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आप चाहते हैं उसका ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और आपके पास आपके अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये सर्विस आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही ले सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू आप अपने अकाउंट से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, एफडी से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इस तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपके अकाउंट में क्या ऑफर्स आ रहे हैं ये भी जान सकते हैं। पर व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू आप किसी तरह की कोई फिनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, और ऐसा सिक्योरिटी रीजंस के लिए है। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट्सएप बैंकिंग। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।